कर पाएंगे। रेगल टॉस इधर से उधर से, क्लच कोड 1v1 की फाइट रहेगी। गाइस आप लोग यहां पर अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध सकते हैं क्योंकि असली पावर पैक रिएक्शन की जो जहाज है वो उड़ने वाली है। इट्स टीम एंटिटी वर्सेस टीम सोल। अमन इज द वन विद दैट M4 एंड नाउ दिस इज द विजन। जोन के कॉर्नर पर कौन अपना एरिया डिफेंड करने वाला है? जी गॉड कमिंग अप विद द ग्रेनेड। ओपनिंग कहां से निकलने वाली है? इधर से रेगल टॉस ग्रेनेड कर रहे हैं, उधर से जी गॉड ग्रेनेड कर रहे हैं। रेगल टॉस कमिंग अप विद द मोलोटोव एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर दैट ओपनिंग। गया जरूर से, क्लच गॉड को मोली का डैमेज लग रहा है, आग जरूर लगी है बट वो सीने में नहीं है। रिवाइवल यहां पर नहीं चाहिए, सिर्फ हील करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि आराम से रेगल टॉस ने दे जरूर दिया है। बात करें अगर मॉर्टल की तो थोड़ा सा पीछे है, काफी ज्यादा पीछे है। आई थिंक पार्टिसिपेट करने के लिए जल्दी से ट्रकमैन के सेल्फ स्टार्ट करनी पड़ेगी और सीधा यहां पर अपनी हाजिरी देनी पड़ेगी। मीनवाइल ओपनिंग नहीं मिली है। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि किसका वो पहला नॉकआउट होगा इस TSM एंटिटी वर्सेस टीम सोल की फाइट के बीच में। वाओ, यहाँ पर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, लेकिन जैसे ही माई बोल रहे थे कि अभी तक ओपनिंग नहीं मिली है तो उसका इंतजार यहाँ पर जरूर करना पड़ेगा। रेगल टॉस ने प्रेशर जरूर बिल्ड करने की कोशिश करी बट मुझे लगा था कहीं ना कहीं टीम्स का डिसीजन यही है कि पहले जोन की तरफ प्रायोरिटी दी जाए, उसके बाद फाइट के लिए आगे बढ़ा जा सके। बट अभी के लिए इस एंगल से मुझे यहाँ पर देखने मिला शायद यहाँ पर डैमेज देखने को मिल रहा है और अब जॉनसन यहाँ पर मेरे ख्याल से एक नॉकआउट जरूर निकाले, लेकिन उनकी भी HP डाउन होगी। अमन उनका नॉकआउट निकालेंगे एंड शायद मेरे ख्याल से काफी लेट कहीं हो ना गया यहाँ पर एंटिटी के लिए। I think यहाँ पर टीम सोल के रेगल टॉस ने जो अपने रूल को जस्टिफिकेशन दी है वो काबिले तारीफ थी। मॉर्टल विद दैट ऑफ गार्ड एंगल, लास्ट मैन स्टैंडिंग फ्रॉम TSM एंटिटीज क्लच गॉड। अब यहाँ पर अपने नाम को बैक करना पड़ेगा क्लच गॉड को, अगर यहाँ से क्लच आउट करते हैं तभी शायद यहाँ पर सेव कर पाएंगे। रेगल टॉस इधर से उधर से क्लच गॉड 1v1 की फाइट रहेगी। नियो की तरफ स्मोक ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं टू गेट दैट रिवाइवल डन बट मॉर्टल भी धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्पॉट जरूर कर चुके हैं क्लच गॉड को, वो सेंस मिल चुका है, वो इन्फॉर्मेशन मिल चुका कि रेगल टॉस पीछे से डैमेज से निकले इनकी तरफ आ चुके हैं बट क्लच गॉड इज नाउ एक्चुअली डिसएंगेजिंग एंड अलाउइंग हिम टू चेस हिम। स्पॉट यहां पर जरूर से किया था एंड अमन कमिंग आउट ऑफ नोवेयर बैंग ऑन दैट एंड दिस वर्क्स एंड फॉर टीम TSM एंटिटी सोल मॉर्टल सोल रेगल टॉस और अमन तीनों यहां पर बच गए। Cause they wanna do it just because they heard it pays and who the fuck wants to be poor? No one, that's how we've been raised. Society